तुझे भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी सांसों में, खुशबू छाने लगी। मैंने कहा था ना कि कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, फिर भी वो चली गई, और वो भी खिड़की से कूद करके, ताकि मुझे पता ना चले। बाबा, मैं तो सो रही थी, मुझे खुद नहीं पता कि वो कब खिड़की से कूद के चली गई। वो नहीं चली गई, मेरी 25 साल की परवरिश चली गई। ये शहर अगर कुछ देता है तो बदले में इंसान से बहुत कुछ छीन भी लेता है। रातों रात बदल जाते हैं यहाँ पर लोग, देखा मेरे बच्चे भी बदल गए। सुर की एक गलती की वजह से आप ऐसा मत सोचिए बाबा, कुछ नहीं बदला, शहर ने हमें नहीं बदला बाबा। नहीं बदला, ठीक है, शहर ने नहीं बदला। शिमला में तो मेरी कोई भी बेटी मुझसे बिना इजाजत लिए वो इतनी रात को घर से बाहर नहीं गई, तो फिर सुर कहाँ है? अगर शहर ने नहीं बदला तो सुर कहाँ है? कहाँ है सुर? रिक्शा, मैं यहाँ हूँ। रिक्शा भी नहीं है, अगर मैं पकड़ी गई तो बाबा तो मेरी जान ही ले लेंगे। ओ गॉड, मैं घर कैसे पहुंचूंगी? उनसे भी चैट कर लो नेट पे, बोल दो कोई झूठ। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। ओके, ओह रियली मिस पेंटर, मुझे लगता है तुम्हें पेंट ब्रश ही पकड़ना नहीं आता है। एक्सक्यूज मी, आई एम अ पेंटर। व्हाटएवर, मुझे कोई इंटेलिजेंसी लड़की चाहिए थी, तुम तो हो नहीं। सेम हियर, इसीलिए तो मैंने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। What? तुमने? हाँ, मैंने। तुम्हारी मॉम आई थी आरोही दी के लिए तुम्हारा प्रपोजल लेके, उन्होंने मना कर दिया तो वो प्रपोजल मुझे पास ऑन कर दिया, जैसे कोई न्यूज़पेपर पास ऑन कर रहे हो। नेक्स्ट टाइम कोई लड़की चूज करो तो ऐसी लड़की चूज करना जो कम से कम तुम्हें रिजेक्ट ना कर दे। लिसन, अगर तुम हाँ कर भी देती ना तो मैं ना कर देता। Whatever. अरे भाई साहब, इतनी बारिश में आपको टैक्सी नहीं मिलेगी, आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। I'm going. Even I'm going. Hurry up. Okay. God. सुर, अभय के साथ? MH07014। क्या हुआ बेटा, कुछ सुर का पता चला? नहीं बाबा, जैसे आपका फोन आया कि सुर यहाँ नहीं है, मैं सीधा घर आ गई, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। चलो बेटा, उसको चल करके देखते। नहीं नहीं, आप यही रुकिए, मैं देख के आती हूँ। अरे नहीं बेटा, इतनी रात में इतनी बरसात में मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगा। पर बाबा, मैं शहर को जानती हूँ और आपकी तबीयत खराब है, आप नहीं भीग सकते। मैं जाके ढूंढती हूँ सुर को, सुर मिल जाएगी बाबा। क्या कर दिया इस शहर ने? अंतरा, मुझे सच सच बता, तुझे पता है ना सुर का है? प्रॉमिस करो कि आप बाबा को कुछ नहीं बताओगी। क्या वो एक्चुअली, वो ऑनलाइन उसका कोई दोस्त बन गया है, नेट पर चैटिंग करते हैं वो लोग, और वो उसे पसंद करने लगी है, इसीलिए अभी के रिश्ते के लिए भी मना कर दिया। क्या ये सब तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जी, उसने खुद मुझे सब कुछ आज शाम को ही बताया।
पिछले एक महीने से चैट कर रहे हैं दोनों, और वो अभी उसी को मिलने गई है रूशीज कैफे में। What's wrong with her? इतने बड़े शहर में एक अजनबी से मिलने गई है वो। तू यहीं पे रुक, पापा का ध्यान रखना। बहुत गुस्से में मैं सुर को ढूंढ के आती हूँ। ये अर्जुन इतनी रात को फोन क्यों कर रहा है? कहाँ है सुर? अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होती ना, तो अभी मैं तुमसे शादी नहीं करता। Same here, okay? चश्मा पहन के पीती जिंदा समझती अपने आप को? हाँ? मुझे ना कह दिया? तुमसे पहले मैं ना कर देता। जब तुम्हें मुझे जैसा लड़का नहीं मिलेगा, तो सोचो कौन मिलेगा? जो भी मिलेगा ना, तुमसे तो बहुत बेटर होगा। Oh really? गाड़ी से नीचे उतरो, गाड़ी से नीचे उतरो, जल्दी! जल्दी उतरो, चलो जल्दी, चल जल्दी, अपने पैसे निकाल, जल्दी पैसे निकाल। पर क्या साले, सर काट दूंगा तेरा, जल्दी पैसे निकाल, तू भी निकाल। मेरे पास पैसे नहीं है। तेरी तो, उसे कुछ मत करना। मोबाइल दे, मोबाइल दे, चल तू भी निकाल, मोबाइल मोबाइल दे अपना, चल दे मोबाइल, गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, चल बैठ, जल्दी कर, चल बैठ जल्दी, गेट बंद कर। क्या कर रहा है? अरे इसने तो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम जाम कर दिया है, अब अंदर से ना दरवाजा खुलेगा ना खिड़कियां। दरवाजा खोलो। आरोही फोन क्यों नहीं उठा रही है? डैम इट, इतनी बारिश हो रही है, ऊपर से कैब नहीं मिल रही है। व्हाट डू आई डू? वो अभय, पता नहीं इतनी रात को सुर को कहां लेके क्या होगा। डैम इट, मशहूर कार चोर जक्कू आज फिर एक कार चुराकर फरार हो गया। आप अपनी स्क्रीन पर इस कार का नंबर देख सकते हैं। अगर ये कार आपको कहीं पर भी दिखाई दे, तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करें। गॉड, ये तो हुई गाड़ी का नंबर है। टैक्सी। आरोही, आरोही, थैंक गॉड तू मुझे यहाँ मिल गई। आरोही, मैंने सोर और अभय को एक साथ एक गाड़ी में जाते हुए देखा। आरोही, देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, वो गाड़ी चोरी की थी। क्या कह रहे हो तुम? बिलीव मी आरोही, वो दोनों किसी मुसीबत में फंसे हुए। तुम सोर को फोन करो। अभय को फोन करो। अभय का फोन भी अवेलेबल नहीं है। ओह माय गॉड, अब मैं कैसे कांटेक्ट करूं सुर को? हारी, वो जिस गाड़ी में बैठ के गए थे, मैंने उस गाड़ी का नंबर नोट किया था। मैंने अभी अभी न्यूज में देखा कि वो गाड़ी चोरी की थी। वो दोनों किसी मुश्किल में, आई एम श्योर अबाउट इट। हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा।
जस्ट इमेजिन अगर वो वापस आके हम दोनों को मार डाले तो, अगर वो वापस नहीं भी आए तो यूं ही मर जाएंगे यहां पे घुट घुट के। आई थिंक मरने से पहले मुझे तुम्हें सब कुछ सच सच बोल देना चाहिए। यू नो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरी चैट फ्रेंड हो। नेट पे बहुत क्लोज आ गया था तुम्हारे, पर तुम्हारी मॉम तुम्हारा प्रपोजल लेकर किसी और के पास गई तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? या फिर तुम उन लोगों में से हो जो शादी किसी और से और नेट पे फ्लर्टिंग किसी और से? Are you like that? I'm not like that. मैंने अपनी मॉम को मना भी किया था कि I'm sorry. I made a big mistake. मैंने तुम्हारा कभी चेहरा नहीं देखा, पर इतना जानता था कि जिसे मैं चैट करता हूं उसे बहुत पसंद करता हूं। I really like her. Even I liked you. That's why I rejected your proposal. जबकि मैं तो जानती भी नहीं थी कि मैं जिससे चैट करती हूँ वो है कौन। बस इतना जानती थी कि कोई है जो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। What a coincidence. तुम ही को लाइक करती थी और तुम्हारा ही प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। पता नहीं दोनों कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। काम डाउन आ रही, वरी मत करो, तुम्हारी बहन ठीक होगी। फिर मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि सुर का है, किस सिचुएशन में वो ठीक भी है या नहीं। तुम्हारे पास गाड़ी का नंबर है ना? हाँ, देखो आई एम श्योर वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, वो मिल जाएंगे हमें। भाई साहब थोड़ा सा जल्दी चलाइए प्लीज। अरे प्लीज डोंट क्राई। तुम्हें पता है जब कोई अपना ऐसे खो जाता है तो कैसा लगता है? हरोई तुम प्लीज मत रो, वील फाइंड हर। अगर उस चोर ने उन्हें कुछ करने की कोशिश की तो? हरोई काम डाउन, सुर मिल जाएगी। I can't breathe. Breathe. You have to breathe. हम चल से चल यहाँ से निकल जाएंगे। Listen, कुछ नहीं होगा हमें। हम कोई ना कोई जरूर आएगा हमें बचाने के लिए यहाँ पे। हम निकल जाएंगे यहाँ से। टैक्सी रोको। भाई साहब इधर।
आपको मिल गई? मैंने मना किया था ना उसको वहां जाने के लिए? बेटा वो ठीक तो है ना? फौरन उसे लेकर के घर आओ अभी। And I thought कि मैं मरने से पहले शायद सब कुछ सच सच कह दूं उससे, क्योंकि मैं अर्जुन पुंज बनना नहीं चाहता था रूही। नेट पे चैट करते करते लाइक करने लगी, इसलिए तूने अभय का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। तुम लोग साइबर कैफे में मिले तब तूने ना कर दी। अभी सिर्फ 4 घंटे इस गाड़ी में एक साथ बिताने के बाद तू हाँ कर रही है, ये क्या हो रहा है? ती प्लीज, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। मुझे नहीं पता कैसे क्यों, पर एक ही रात में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मुझे नहीं पता सामने मौत खड़ी थी इसलिए ये सब हुआ, क्या ये सब होना ही था? आरोही, आई वांट टू टेल यू समथिंग। पिछले एक महीने से मैं किसी लड़की के साथ चैट कर रहा था, बातों ही बातों में ऐसा लगने लगा कि हमारे ख्यालात बहुत मिलते हैं। बातों ही बातों में कब इसके इतने क्लोज आ गया पता ना चला। और उस दिन जब मेरी मॉम ने तुम्हारे घर प्रपोजल भेजा था, तुम आई वॉन्ट टू से नो टू माई मॉम बिकॉज आई लाइक माई चैट फ्रेंड, देन आई डिसाइडेड टू मीट हर। और आज जब हम मिले तो आई वॉज शॉक्ड, शॉक्ड टू सी योर सिस्टर, शॉक टू सी कि मैं जिस लड़की से एक महीने से चैट कर रहा हूँ, जिसके मैं इतने क्लोज आ गया था, कितना डिफरेंस है हम दोनों में। मेरा दिल टूट गया था एंड आई सेड नो टू हर। लेकिन जब 4 घंटे हमने साथ में बिताए और जब मौत को अपने सामने खड़ा पाया तो देन आई रियलाइज मैं किसी चेहरे से नहीं, मैं किसी की इमोशन से प्यार करता हूँ। एंड आई थॉट कि मैं मरने से पहले शायद सब कुछ सच सच कह दूं उससे, क्योंकि मैं अर्जुन पुंज बनना नहीं चाहता था रूही। उसने आज तक नहीं कहा उस लड़की से जिसे वो बहुत प्यार करता। देखना वो जिंदगी में अकेला ही रह जाएगा। यू वोंट बिलीव वो जिस लड़की से प्यार करता है उसके लिए शिमला से भागकर मुंबई आ गया। इतने बड़े बाप का लड़का, मिलियंस का मालिक, सब कुछ छोड़ के आ गया। अपने बाप से 1 रुपया भी नहीं लिया उसने। कहता है ये सब वो उसकी खुशी के लिए कर रहा है, उसे खुश दिखना चाहता है। अब ये पागलपन नहीं तो क्या है? जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है उसे कह भी नहीं पाया कि कितनी मोहब्बत करता है वो उससे। उसने कहा कि कहूंगा तो वो मानेगी नहीं।
एक बार मैं तुम्हें बताना चाहता हूं आरोही, आई लव यू लाइक क्रेजी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी जिंदगी भी अर्जुन पुंज जैसी हो। मैंने तो अपनी दिल की बात कह दी, प्यार तो आखिर प्यार होता है ना, चाहे 4 साल में हुआ हो या 4 घंटे में। आई डोंट वांट टू बी लाइक अर्जुन पुंज, आई डोंट वांट टू बी लाइक हिम। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है जो दिख के भी नहीं दिख रहा? अर्जुन का फ्लैट छोड़ के स्टोरूम में रहना, यहाँ आना, मेरी बहन की हेल्प करना, ये सब क्या है अर्जुन? एक तरफ तो मेरी हेल्प करते हैं और दूसरी तरफ एटीट्यूड दिखाते, क्यों कर रहे हो ऐसा? अब तो मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। आई हैव टू फाइंड आउट।